अस्सलाम वालेकुम, जियो न्यूज के साथ मैं हूँ खरीदा फारूकी और मैं हूँ वजीह सानी। सबसे पहले जियो हेडलाइंस। मुजफ्फराबाद में बर्फीली राहों पर जीप रैली का इनेकाद, सुवात के दुश्वार गुजार रास्तों पर भी रैली। सवाद के बाद एक और जीप रैली में आपको लेके चलते हैं। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से एक घंटे के मुसाफत पर वाके सेहत अफजा मकाम पीर चनासी तक स्नो क्रॉस जीप रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली के बारे में आपको मजीद बताएंगे मुजफ्फराबाद से हमारे रिपोर्टर आरिफ उर्फी। मौसम सरमा के दौरान पूरी दुनिया में जहाँ बर्फबारी होती है, लोग सरमाई सियाहत और खेलों से लुत्फंदोज होते रहते हैं। इस साल पहली मरतबा बाद के चंद मन चले नौजवानों ने बर्फबारी से फायदा उठाते हुए बर्फानी जीप रैली का इनेकाद किया, जिसमें दूर दूर से आने वाले माहिर ड्राइवर शिरकत की। मैं कराची से स्पेशली इसी इवेंट के आया हूं। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ये जो इवेंट हम दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाके करते हैं, डेजर्ट सफारी दुबई में जाके करते हैं, और जबकि हमारे मुल्क में इतनी अच्छी है जिनको अवेल नहीं किया जा रहा। मुजफ्फराबाद पीर चनासी के लिए चलने वाली रैली के शुरका जब डंडा काम पर पहुंचे तो गाड़ियां बर्फ में फंस कर रहे, लेकिन सफर की इस मुहिम जोई से भी शुरका ने भरपूर लुत्फ उठाया। फर्स्ट टाइम इस तरह का इवेंट हुआ है और हम जितने ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं हमने किया। जीप फंसी, धक्के दिए, बहुत ज्यादा एंजॉय किया हमने, बहुत ज्यादा मजा आया। और इस तरह के इवेंट्स अगर हमारी गवर्नमेंट लेवल पे करवाए जाए तो बाकी शहरों के लोग भी आएंगे। हम कहते हैं कश्मीर में आए, लुक करें, इधर देखें, एक जन्नत है, ठीक है, और देखे कश्मीर क्या चीज है, जन्नत को देखे, बहुत करीब से देखे। मौसम का लुत्फ उठाने के साथ साथ स्नो क्रॉस जीप रैली को देखने के लिए आने वाले सयाह भी सरा के मकाम तक आए। स्नोमैन भी बनाया था वहाँ पे छोटा सा। स्नो क्रॉस जीप रैली के इकदाम करके आजाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में एडवेंचर टूरिज्म को फरोग दिया जा सकता है। कैमरामैन नईम अहमद के साथ मोहम्मद आरिफ उर्फी, जियो न्यूज, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर। और अब नजर डालते हैं न्यूज अपडेट्स पर।